नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वास्तु से दक्षिण दिशा का द्वार नहीं बना हुआ है उसका क्या उपचार हो सकता है, इसी का विश्लेषण करेंगे। देखिए, कोई भी मुख्य द्वार जो होता है ना, वह अगर वास्तु के अनुसार सही पद में बना हुआ है तो कई गुना सकारात्मक प्रभाव देता है, अच्छे रिजल्ट देते हैं और अच्छा परिणाम देता है। लेकिन अनजाने में, भूलवश, ज्ञान नहीं होने के कारण अगर दक्षिण में प्रवेश द्वार कहीं बन जाता है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम उसका क्या उपचार कर सकते हैं? अगर संभव नहीं है उस द्वार को बदलने का तो क्या हो सकता है, हम उससे कैसे पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, इसी पर विश्लेषण करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से आप देखें कि दक्षिण द्वार जो आपको बनाना है या बना हुआ है, अगर तीन क्षेत्र में, जैसे कि नैऋत्य कोण में जिसको हम 225 डिग्री कहते हैं, जैसे हम SSW के क्षेत्र में जिसको हम 225 डिग्री प्लस 11 माइनस 11 करके अगर आप देखेंगे तो आपको यह 191 डिग्री के आसपास आएगा, 90 डिग्री के आसपास आएगा, अर्थात 190 डिग्री के पास अगर द्वार बना हुआ है। और ठीक देखें कि 236 डिग्री के बाद अगर द्वार बना हुआ है, ये सारे द्वार बहुत ही घातक हैं, ये अच्छे परिणाम देने वाले नहीं हैं। और ऐसे वास्तु ग्रंथों में भी विश्लेषण किया गया है, आधुनिक वास्तु शास्त्र में ये विश्लेषण किया गया है कि ये तीनों द्वार अच्छे नहीं होते हैं। और चौथा द्वार जो है यम का द्वार, अर्थात सेंटर साउथ में, इसको छोड़ करके साउथ में कहीं भी द्वार बना हुआ है तो वह आपको रिजल्ट अच्छा दे सकता है। अब रिजल्ट उसको हम पॉजिटिव कैसे बदलेंगे, द्वार में क्या क्या परिवर्तन करेंगे तो हमारा यह रिजल्ट अच्छा आएगा, अब हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसका उपचार बता रहे हैं, इसका टिप्स बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर दक्षिण पूर्व, अर्थात जिसको कहते हैं SSE के क्षेत्र में बना हुआ, अर्थात दक्षिण आग्नेय के क्षेत्र में बना हुआ द्वार आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। उसके लिए क्या क्या करना है, द्वार दो पल्ले का होना चाहिए, कहीं भी बनाए उसके लिए भी बता रहे हैं, द्वार दो पल्ले का होना चाहिए। पहली बात, द्वार में चारों चौखट होना चाहिए। लोग आजकल आधुनिक में क्या करते हैं, तीन चौखट बनाते हैं, नहीं, ऐसे स्थिति में द्वार के चारों चौखट को बनाए, तो जब चारों चौखट बन जाएगा तो जो जमीन से लगा हुआ चौखट है वह नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं होने देगा, अर्थात कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आना चाहेगा तो वह प्रवेश होने में उनको बहुत कठिनाई होगी। अब उसके बाद है कि द्वार जो है साउथ के द्वार का कलर आपको हर हमेशा या तो घी का कलर का रखें, ऑफ व्हाइट के कलर का रखें, या जो रेड फैमिलियर कलर है उसको रखें, चाहे वह गुलाबी ले सकते हैं, चाहे वह ऑरेंज से मिलता जुलता ले सकते हैं, चाहे वह जो है सो रेड ले सकते हैं, चाहे वो जो है हनुमान जी को जो हम सिंदूर चढ़ाते हैं वखरा सिंदूर, उस कलर का ले सकते हैं। ये सारे चीज कलर में, आपको यही कलर में लेना है। साउथ के किसी क्षेत्र में अगर आप द्वार बनाते हैं तो यही आपको लेना है। अब यहां पर त्वरण द्वार की स्थापना करना आवश्यक है। त्वरण द्वार की स्थापना इसलिए कि द्वार के दोनों तरफ त्वरण लगाएं,
त्वरण जो भी मांगलिक चिन्ह हैं, मांगलिक पत्ते हैं, जो शुभ परिणाम देने वाले हैं, जैसे अशोक के, आम के, ये सब के फूल के, इसके त्वरण बना करके प्रत्येक दिन आप लटका दें। भले ही 5 आम का लटका है, 10 आम के पत्ते का लटका है, लेकिन आप लटकाएंगे, 10 फूल लगा दें अपने बगीचा से लेकर के और 10 पत्ते लटका करके दोनों तरफ लगा दें, तो यह जो एनर्जी है ना, ये पॉजिटिव देने लगता है। उसके बाद शुभ लाभ लिखना आवश्यक है। द्वार के दोनों तरफ ठीक चौकट के पास में शुभ लाभ लिखना आवश्यक है, यह आप जरूर लिखें। उसके बाद 9 अंगुल का आपको स्वास्तिक बनाना जरूरी है। यह स्वास्तिक जो है सो रेड कलर में ही होना चाहिए, या भखरा सिंदूर और घी से बनाएं तो ये होना चाहिए, या अगर इससे ज्यादा अच्छा परिणाम लेना चाहते हैं तो हनुमान जी के दाहिने पांव से सिंदूर चढ़ाया हुआ ले आए और उससे आप पूर्णिमा के दिन या नवरात्रि के दिन या अक्खा तीज के दिन या आप जो है सो गुप्त नवरात्रि में आप लगा सकते हैं, तो ये जो है सो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब वहां पर आपको एक मंगल यंत्र की स्थापना कर दें तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एक हनुमान यंत्र की स्थापना कर दें तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा देगा, या वास्तु दोष नाशक यंत्र की स्थापना कर दें तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक भगवा मिरर आता है, वह ठीक दरवाजे पर इस ढंग से लगाएं कि जो भी चीज दरवाजे में प्रवेश करना चाहे, चाहे वो व्यक्ति या कोई भी चीज, तो उसका जो है सो प्रतिबिंब उसमें आए और उसकी निगेटिविटी बदल करके पॉजिटिविटी में बदल जाए। तो ये द्वार में आपको अगर कहीं भी द्वार है और सावधानी रखते हैं तो आप ये समझिए कि दक्षिण का प्रवेश द्वार आपके लिए बहुत शुभ रिजल्ट देगा, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखें आधुनिक प्रवेश में क्या कर सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। आधुनिक प्रवेश में आपका रेड कलर का पिरामिड लेकर के रिचार्ज करके, उसे रिचार्ज आप कैसे कहेंगे, अगर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के रख दें उनके पांव के पास 9 पिरामिड ले लें और छोटे छोटे पिरामिड आते हैं और भगवान जी से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करें कि हम आपके चरणों में रखे हैं और आप इसे रिचार्ज कर दें, हम अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं ताकि ये शुभ परिणाम मुझे दे सके। तो ये जब आप अगर कर लेते हैं तो आप समझिए कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद एक चीज आप कर सकते हैं, और 1 इंची का जो है पाइप ले लें स्क्वायर में और ठीक अंडरग्राउंड कर दें, चाहे पत्थर लगा हुआ है, लकड़ी लगा हुआ है, जो भी है, तो अंडरग्राउंड कर दें उस पाइप को, तो आपके जो अंदर एनर्जी है वह निगेटिव होकर के प्रवेश नहीं करेगा। अगर नहीं मिल रहा है पाइप तो तांबे का एक वायर लेकर के चारों तरफ से कर दें तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक उसके बाद आप देखें कि क्या कर सकते हैं, कहीं भी साउथ मुखी अगर आपका द्वार है तो आपको ठीक द्वार से 2 से 3 गुना, द्वार के जितना बड़ा द्वार है 2 से 3 गुना दूरी के बाद जो है सो साइड में नीम का झाड़ लगा दें, काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये द्वार के हम ट्रीटमेंट सारे बताए, उपचार सारे बचाए कि अगर कहीं भी दक्षिण मुखी द्वार है तो हम उसको कैसे पॉजिटिव में बदलेंगे, इस पर हम बताए। यह वीडियो आपके लिए है, आप इसका लाभ लें और अच्छा लगे तो अपने मित्र मंडली परिवार में भी दें ताकि ये ज्ञान का वह उपयोग कर सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।